over sin. He is conquered, hallelujah. He is conquered over death. Victorious, hallelujah. Victorious over sickness. He is triumph, hallelujah. He is triumph. Jesus reigns over all. Over sin, over sin. He is conquered, hallelujah. He is conquered over death. Victorious, hallelujah. Victorious over sinners. He is triumph, hallelujah. He is triumph. Jesus reigns over all. For this purpose, Christ was revealed to over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, over sin, he's conquered, hallelujah, he's conquered. Over death, victorious, hallelujah, victorious. Over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 और चलिए मैं पढ़ता हूँ वचन 22 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। हम परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर यह वचन परमेश्वर जैसे विश्वास, ये शब्द आता है वचन 22 में, जहां यीशु ने कहा परमेश्वर में विश्वास रखो। अगर आपके पास में अच्छी बाइबल है जिसमें मार्जिनल रेंडरिंग है, तो यहाँ पर यह आपको बताएगी, और यहाँ पर एक और अनुवाद आपको ये बताएगी जो सामान्य रूप में परमेश्वर के जैसे विश्वास या परमेश्वर का विश्वास रखो कहता है। यीशु यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है, वो पत्रस और चेलों को बताता है। वो चकित हो गए थे इस बात को देख कर कि जिस पेड़ से यीशु ने कहा था कि अब से कोई तेरा फल नहीं खाएगा, वो पेड़ 24 घंटे में ही जड़ से सूख गया। इसे देखकर वो चकित हो गए। उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को तूने श्राप दिया है वो सूख गया है,
और यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि परमेश्वर का विश्वास रखो, मतलब तुम्हारे पास जो विश्वास है वो विश्वास नहीं है। विश्वास ऐसे काम नहीं करता। बाइबल का असली विश्वास, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास, वैसा है जो मेरे पास वे है। तुमने देखने पर विश्वास किया, लेकिन जब मैंने कहा तब मैंने विश्वास किया कि जो कुछ भी कहता हूँ वो हो जाएगा। यही इन दोनों विश्वास में फर्क है, और यही बात तो यहाँ से आती है, परमेश्वर का विश्वास। अब हम परमेश्वर के जैसे हैं, और इसलिए हम भी इसी तरह से बनाए गए हैं परमेश्वर के विश्वास के लिए, कि हम परमेश्वर के विश्वास में काम कर सकें। यानी यीशु यहाँ सिखा रहा है और वो कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो होगा, तो वो जो भी कहता है वो हो जाएगा। मैं आपको परमेश्वर के जैसे विश्वास के बहुत से गुण बता रहा हूं। अब कुछ हफ्तों पहले हमने इस बात को देखना शुरू किया था, और वो है दिल का विश्वास। परमेश्वर का विश्वास दिल का है, वो मन का नहीं है। इसमें फर्क है। मन का विश्वास देखिए केवल मानसिक रूप में होता है, और ये कोई बदलाव लेकर नहीं आता है जीवन में। देखिए बहुत से विश्वासी विश्वास करते हैं कि यीशु कुमारी से जन्मा, ये परमेश्वर का वचन है। वो चर्च में भी जाते हैं और यीशु को उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर मानना होगा, लेकिन इसने उनके जीवन में फर्क नहीं लाया है, क्योंकि ये दिमागी विश्वास है, दिमाग का विचार है, और ये दिल का नहीं है। दिल का विश्वास उस व्यक्ति को बदलता है, उसे पूरी तरह बदलता है, क्योंकि ये दिल में है। दिल यानी ये गहराई में है, ये व्यक्तिगत रूप में है, और ये भीतरी मनुष्यत्व के स्तर पर है, और इसलिए वो व्यक्ति सच में बदल जाता है। इसलिए यदि आप मन के स्तर पर हैं, तो शायद आप कुछ चीजों को जाने सत्य के रूप में या फिर मसीह सिद्धांत के रूप में, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि दिल का विश्वास है तो ये आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। अब इस दिल के विश्वास के बारे में हम यहाँ पर अविश्वास के बारे में कह रहे थे कि कैसे दिल जो है वो अविश्वास की जगह नहीं है, ये तो विश्वास की जगह है। देखिए दिल तो इसलिए है कि वो विश्वास में बढ़ते जाए, और ये तो पूरी तरह से नाश हो जाता है जब उसमें अविश्वास होता है। अब दिल की समस्या तो यही है कि बहुत से लोगों के लिए तो अविश्वास के दिल की समस्या है। हमें उसे विश्वास का दिल होने के लिए ट्रेन करना है, और हम आपको अविश्वास के बारे में बता रहे हैं। आपको ये दिखा रहे थे कि बाइबल दो तरह के अविश्वास के बारे में बताती है। एक ऐसा अविश्वास है जो अज्ञानता के कारण आता है। पौलुस कहता है कि उसमें इस तरह का अविश्वास था, यानी वो अज्ञान था, वो कुछ चीजों के बारे में, यीशु के बारे में अज्ञान था, और इसलिए वो कलीसिया को सताता था। वो अविश्वास से भरा था, और परमेश्वर ने इसके ऊपर दया की, और अंत में उसने उसे सेवकाई दी, और फिर वो फिर गया और वो यीशु पर विश्वास करने लगा। लेकिन फिर एक और तरह का अविश्वास है जिसके बारे में इब्रानियों अध्याय 3 और 4 बताते हैं। ये तो अविश्वास का बुरा दिल है कहता है। यहाँ पर असली भाषा में अविश्वास जो शब्द है वही तो अलग है। ये अविश्वास जो है ये तो पूरी तरह से डटे रहना है। इसका मतलब है ये अज्ञानता के कारण आने वाला अविश्वास नहीं है, जो अज्ञानता से आता है, यह अविश्वास है ये यहाँ है जो कि परमेश्वर के चमत्कार और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने के बाद में भी होता है। किसी के जीवन में कई बार परमेश्वर ने अपने आप को साबित किया है कि वो भला है, वो जीवित है, वो काम करेगा, मदद करेगा, और ये सब उन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया, लेकिन फिर भी अविश्वास में है। ऐसा विश्वास उस व्यक्ति को नाश करेगा, और इसराइली लोग इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। और पौलुस कहता है उनके साथ में जो भी हुआ है वो हमारे लिए बड़ा उदाहरण है, और बाइबल ये कहती है कि उन्होंने परमेश्वर को 10 बार परखा है। उनके मरने के पहले वो सब जंगल में मर गए, सारी पीढ़ी, और हम उनसे बहुत से पाठ सीखते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन अलग अलग समय में हम जाए जहां पर परमेश्वर की परीक्षा की, और उसमें देखे कि ये सच में क्या है, और ये जो अविश्वास है किस बारे में है, ताकि हम बहुत स्पष्ट जाने कि हम अविश्वास में हैं या फिर विश्वास में हैं। आप ये जान सकते हैं, आप सच में निर्णय ले सकते हैं कि आप किसकी ओर से हैं, क्या आप विश्वास की ओर से हैं या अविश्वास की ओर से हैं। यानी मैं यहाँ देख रहा हूँ ऐसे बहुत से चिन्हों को जो ये दर्शाते हैं या दिखाते हैं कि हमारे दिल में अविश्वास है, या हमारा दिल अविश्वास का दिल है। और ये एक बात है जिसे हमने पहले ही देखा है कि दो अलग अलग जगह पर उन्होंने परमेश्वर को परखा, और उसमें से एक जगह है जी वो मिस्र में से निकले, वो बाहर आए, लाल समुद्र के पास में आकर पीछे मुड़कर देखे कि फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है। सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। क्या करे, कहां पर जाएं? अब वो कुड़कुड़ाने और शिकायत करने लग गए, और जानते हैं मूसा से कहने लगे, क्या तू हमें मरने के लिए लाया है, क्योंकि तूने सोचा कि मिस्र में कोई कब्र नहीं है। ये पहली बार था, और दूसरी बार है लाल समुद्र पार करने के बाद में वो आए, और 3 दिन की यात्रा के बाद में वो प्यासे हो गए और कुड़कुड़ाने लगे,
और मूसा से कहने लगे, हमें पानी देना होगा। क्या तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लाया है इस जंगल में जहाँ पानी नहीं? और अंत में उन्हें पानी मिला, लेकिन वो तो कड़वा था। फिर प्रभु ने चमत्कार किया। उसने कहा, उस पेड़ की डाली को लेकर उसे तुम पानी में डाल देना और वो अच्छा पानी हो जाएगा, वो मीठा पानी हो जाएगा। कड़वा पानी मीठा हो गया और परमेश्वर ने चमत्कार किया। हमने इन दो परीक्षाओं को देखा और अविश्वास की बहुत सी बातों को यहाँ पर हमने देखा है, ताकि हम देखें कि हम कहाँ पर है। चलिए मैं आपको बता दूं, एक अविश्वास तो उससे ज्यादा चलता है, परमेश्वर जो कहता उससे बढ़कर, जो देखता है उस पर, जो परमेश्वर कहता उस पर नहीं लेकिन जो देखता उस पर चलता। दूसरी बात, अविश्वास डरता है। जब किसी व्यक्ति में अविश्वास होता है तो वह डरता है बहुत सी परिस्थितियों में। तीसरी बात, अविश्वास ये दिखाता है, मतलब देखिए, अविश्वास में आप नकारात्मकता देखते हैं, अविश्वास में तो आप नकारात्मकता देखते हैं। हाँ, चौथी बात, दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपनी असफलता के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। ये दिखाता है, पूरी तरह से दिखाता है कि उनके दिल में कोई विश्वास नहीं है। यदि आपके दिल में विश्वास है तो दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, चाहे कोई भी आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए, चाहे कितने भी लोग आपके विरुद्ध में कुछ भी क्यों न करें, आप जीवन में ऊपर आ सकते हैं, कोई आपकी उन्नति को नहीं रोक सकता है। जब दूसरों पर दोष लगाते हैं तो अविश्वास बातें करता है। पांचवी बात, अविश्वास पीछे मुड़कर देखता है, पीछे सुनहरे दिनों में जाना चाहता है। पीछे इसलिए नहीं मुड़ते कि प्रभु ने क्या किया वो देखे, वो देखना तो सच में अच्छा है कि याद करें कि परमेश्वर ने क्या किया और आप कहां पर थे, प्रभु ने आपकी कैसे मदद की। लेकिन जहां से आए वहां वापस जाने के लिए अगर पीछे देखते हैं तो ये बुरी बात है, क्योंकि ये घटते जाना है, ये उन्नति नहीं है। देखिए, और ये तो सच में पीछे चले जाना है, आपने विश्वास किया कोई भविष्य नहीं, इसलिए पीछे जाते हैं। विश्वास भरोसा करता कि भविष्य अच्छा ही होगा। कुछ लोग कहते हैं, पुराने अच्छे दिनों में मेरे पास सब कुछ अच्छा था, अब सब कुछ खो बैठा हूं, इसलिए पुराने दिनों में वापस जाना चाहता हूं। खैर, अगर वो अच्छा था तो मैं आपको बताऊं, भविष्य में और भी बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास विश्वास है तो सब कुछ अच्छा होगा। आमेन। पांचवी बात, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना, तो यह अविश्वास के निश्चित चिन्ह है। और सातवीं बात है, दूसरे लोगों पर दबाव डालना। जब उन्होंने देखा कि कोई पानी नहीं, वो प्यासे हैं, तो मूसा पर दबाव डाला, हमें पानी दे नहीं तो हम तुझे मार देंगे, तू हमें यहां पर क्यों लाया है। दूसरे लोगों पर दबाव डालते हैं, आज भी हम इसे देखते हैं। लोग दबाव डालते हैं अपने माता पिता पर कि वो कर्जे से बाहर आ सके। अगर समस्या में फंसते हैं तो वो घर में आकर कहते हैं, आपको मुझे समस्या से निकालना है, अगर आप इसे नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। ये तो दूसरों के ऊपर दबाव डालना है, अपनी मर्जी के लिए दूसरों पर दबाव डालते हैं। और ये तो पूरी तरह से निश्चित दिखाता है कि दिल में क्या है। दिल में विश्वास नहीं है, इसलिए दिल बहुत व्याकुल है, और यह अविश्वास दिखाता है दूसरों पर दबाव डालने से। जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे से अपेक्षा करना, दूसरे के आने की अपेक्षा करते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर वहां आए। ठीक है, परमेश्वर को देखना चाहिए और कहना था, प्रभु तूने हमें लाल समुद्र से बाहर निकाला, ये कुछ नहीं है, तू इस पानी को मीठा पानी बना सकता है, तू इसे करने योग्य है, मूसा की ओर नहीं देखेंगे, तेरी ओर देखेंगे। और परमेश्वर ने उनके लिए किया होता, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों पर दबाव डाला, क्योंकि उनकी आशा लोगों पर थी। ठीक है, आठवीं बात, अविश्वास का आठवां चिन्ह, अविश्वास भूल जाता है। सब लोग कहे, अविश्वास भूल जाता है। मेरे साथ निकालिए निर्गमन अध्याय 16, निर्गमन अध्याय 16 वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। फिर एलीम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। मिस्र से निकलकर वहां पर पहुंचे। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी, मूसा और हारून के विरुद्ध में। अब हम यहाँ पर देखते हैं तीसरी बार परमेश्वर की परीक्षा ली। बाइबल कहती 10 बार परीक्षा ली, और अंत में जब उन्हें अयोग्य ठहराया तो परमेश्वर ने कहा 10 बार परीक्षा ली, अब ये पूरा हो गया, बस हो गया, जानते हैं इतना ही और ज्यादा नहीं, और ऐसे लगता है कि अब तुम इसके आगे और कुछ ही नहीं कर सकते हो। और हम सच में उन 10 बार को देख रहे हैं, और ये तो तीसरी बार है। देखिए, परमेश्वर ने जब मारा के उस कड़वे पानी को मीठा बनाया, उन्हें सीखना चाहिए था अंत में, मतलब कितने सारे चमत्कार किए थे परमेश्वर ने, कितने चमत्कार किए थे, मतलब आपको प्रभावित करने के लिए प्रभु और क्या कर सकता है, आपको विश्वास करने के लिए वो और क्या कर सकता है, आप क्या चाहते कि और क्या करें, यही तो बात है। देखिए, अब वो एक और परिस्थिति के बीच में आ जाते हैं, परमेश्वर जानबूझकर उन्हें इसमें लेकर आता है। अब वो भूखे थे और कुड़कुड़ाते हैं, इसराइली उनसे कहने लगे कि मिस्र में ही परमेश्वर के हाथों से हम मर जाते तो अच्छा होता, जब हम मांस की हांडियों के पास बैठकर, मतलब जहां मटन पकाया जा रहा था, मांस की हांडियां, हम बैठकर मनमाना भोजन करते थे, मतलब ये लोग मटन की हांडियों के पास बैठकर खाते थे, इसके लिए अच्छा शब्द है, वहीं पर बैठ के खाने वाले।
जानते हैं, ये मानो उनका पेट उनका ईश्वर हो गया था। वो वहां बैठते उन हांडियों के पास में जहां पर वो पकाया जाता वही खाते। वो सब पूरा होने के पहले देखिए इस तरह की मनोदशा उनके अंदर थी। जानते हैं ये मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता। और उनके पास में कोई दर्शन नहीं था, कोई बड़ा सपना नहीं था। जानते हैं तो वो हांडियों के पास में बैठकर खाते थे, कहते हैं और बता रहे हैं कि वो वहां पर अच्छे से खाते थे, लेकिन ये सही नहीं है। वो भूल गए कि वो किस परेशानी में थे। उन्हें आधा खाना मिलता, आधा पेट खाते थे और वो तो बस अधूरे तरह का जीवन जीते थे। वो तो किसी चीज के मालिक नहीं थे, वो तो केवल गुलाम थे। पीढ़ियों से ऐसे थे, लेकिन वो यहाँ पर भूल गए थे कि वो क्या थे। और अब ये कह रहे हैं कि वो जीवन बहुत ही अच्छा था। ये कहता है मांस की हांडी के पास बैठते और पेट भर कर खाना खाते थे, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस पूरे समाज को भूखो मार डालो। कितनी बार उन्होंने यहां मरने के बारे में कहा था, अब जरा गिनती कीजिए, चकित हो जाएंगे। अंत में मर गए, कोई भी जंगल को पार नहीं कर पाया। मतलब सच में उन्होंने अपने विनाश को उत्पन्न किया था। आपको क्या लगता है परमेश्वर इतने सामर्थी हाथ से उन्हें निकालेगा और खुद को फिरौन के सामने प्रकट करेगा? इतना महान प्रभु उन्हें बाहर निकालता है और जंगल में उन्हें असफल कर देगा, उन्हें जंगल में मरने देगा। लेकिन बात तो यह है कि परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उनका मुंह उन्हें पीछे खींच रहा था। हेलो, उनका मुंह ने पीछे खींच रहा था। अब इस परिस्थिति में बुरा क्या है? ये सब कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद में भी वो भूल गए कि परमेश्वर ने कल क्या किया था। वो भूल गए कि परमेश्वर ने कुछ दिनों पहले क्या किया था। वो भूल गए कि कैसे उसने कड़वे पानी को मीठे पानी में बदला। जानते लोग कैसे भूल जाते हैं? क्या आपने कभी किसी के लिए भला काम किया है? तो आप पाएंगे वो हमेशा भूल जाते हैं। लोग बहुत ही परेशान होते हैं जब, ओ मैंने इसके लिए ये और वो किया लेकिन वो भूल गया। खैर क्या अपेक्षा करते हैं आप, लोग ऐसे ही हैं, वो भूलते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने हमें ये प्रभु भोज की विधि क्यों दी है, जहां हम ये प्रभु भोज लेते हैं? अक्सर चर्च में लेते हैं, कुछ चर्च में हर हफ्ते लेते हैं, कुछ प्रतिदिन, तो कुछ हर महीने में लेते हैं। और इसके लिए कोई नियम नहीं है कि बस ऐसे ही होना चाहिए। और जब भी हो सके यही इसके लिए कहूंगा, और हम हर महीने से करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये ऐसी विधि क्यों दी है? देखिए केवल दो ही विधि है। मैं ये कहूंगा कि नए नियम के चर्च में केवल दो ही विधियां हैं, सारी विधियां चलेगी, बस दो हैं। एक है पानी का बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज की विधि। आपको क्या लगता है प्रभु ने ये दो विधियां क्यों दी हैं? दो विधियां उसने दी है ताकि वो हमें कुछ ही याद दिलाएं, क्योंकि हम भूलने वाले लोग हैं, हम जल्दी भूल जाते हैं। यदि प्रभु ने प्रभु भोज की इस विधि को नहीं रखा होता, ये विधि जो प्रभु भोज की, अगर हम इसे नहीं करते तो कुछ सालों बाद आप पूछते कि क्रूस क्या है, वहां पर कौन मरा और किस लिए, जानते हैं? और प्रभु भोज के कारण ही हमें इसे सामने में रखना पड़ता है और हमें कुछ पल इसके बारे में कहना पड़ता है, इस पर गौर करना पड़ता और इसे अर्थपूर्ण बनाना है, फिर इसे देना है और आप इसमें सहभागी होते हैं। ये सारी क्रिया कि आप यहाँ पर आते हैं, इसमें बैठते हैं, कोई इसके बारे में प्रचार करता है, फिर इसके लिए प्रार्थना करता है और फिर ये बांटा जाता है, दिया जाता है, और आप अपने हाथों से इसे उठाते हैं, आप इसे लेकर अपने मुंह में रखते हैं, इसे खाते हैं और इसे पीते हैं। ये सारी विधि परमेश्वर ने नियुक्त की है कि ये भूलने वाले व्यक्ति के साथ में व्यवहार करे, ताकि वो यीशु के क्रूस और यीशु ने क्रूस पर क्या किया उसके बारे में न भूल सके। और बपतिस्मा के साथ भी बिल्कुल ऐसे, मेरे पास में समय नहीं कि हम इसे देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ये अर्थ से भरी है कि परमेश्वर ने उद्धार में क्या किया और ये सब कुछ। और यही तो दो विधियां बहुत ही अर्थपूर्ण होती हैं। अब बात तो यही है कि लोग तो भूल जाते हैं, और जब आप भूल जाते हैं तो फिर आप कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, और जब भूल जाते हैं तो विश्वास नहीं करते। भूल जाना तो ऐसी बात है जो कि बहुत ही सामान्य है गिरे हुए मनुष्य के स्वभाव के लिए। अब मेरे साथ में निकाले भजन संहिता और मैं आपको दो भजन में से पढ़ना चाहता हूं। यहां पर बहुत से वचन हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं जो भी प्रचार कर रहा हूं सामान्य रूप में भजन में दिया गया है। अगर आप भजन की किताब देखते हैं तो आप यहां पर पाएंगे वो सब कुछ जो पिछले कुछ हफ्तों से मैं कह रहा हूं। ये यही से आता है, भजन 78 वचन 10 से आगे पढ़ते हैं। ये तो मैं जो प्रचार कर रहा हूं वैसे सुनाई देगा। अब इसे सुनिए। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और उसके आश्चर्यकर्म को भुला दिया। उसके काम भूल गए, ये कैसे है? हाँ, उसकी वाचा पूरी नहीं की, उसकी व्यवस्था में चलने से इनकार किया, उसके कामों को भुला दिया और उसके आश्चर्यकर्म जो उसने दिखाई थे।
उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख अद्भुत कर्म किए थे। मिस्र देश के सोअन के मैदान में उसने समुन्दर को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना जल पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और उसने जल को मानो उसने जल को नदियों का सा बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध में पाप करते हुए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? देखिए, हद पार कर रहे हैं, अविश्वास में हद पार कर देते हैं। जिन लोगों में अविश्वास होता है वो अजीब सी बातें करते हैं। ठीक है, उसने पानी हमें दिया, क्या वो खाना भी दे सकता है? ठीक है, उसने हमें रोटी दी, क्या वो हमें मांस भी दे सकता है? इस तरह से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, उसने चट्टान पर मारकर जल बहा दिया, वचन 20 ये कहता है, और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? देखिए, अविश्वास के कारण वो सब कुछ कह रहे थे। वो सच में भूल गए थे कि परमेश्वर ने क्या किया है, और अब वो परमेश्वर के बारे में बुरा कह रहे थे। देखिए वचन 21, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इसराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का। ये कहता है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, न उद्धार की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया था और समुन्द्र के बालू के समान अगणित पक्षी भेजे। मुझे याद है एक अफ्रीकी भाई देख रहे थे कि कैसे अमेरिकन लोगों के पास जो चाहे वो खाने का सिस्टम है, जबकि उन दिनों में बस $5 या $6 देने पर जो चाहे वो खा सकते थे और भरपेट खा सकते थे, जानते हैं। और इन दिनों में हमारे देश में भी यही है। 20-25 या 30 साल पहले वो बहुत ही चकित हो गए थे और वो चकित हो गए थे, आप सब कुछ खा सकते हैं, जितना चाहे उतना मनमाना खा सकते हैं, बस थोड़े पैसों से। उन्होंने कहा, ओ केवल अमेरिका में ही भाई। मैंने कहा, नहीं, परमेश्वर ने इसे किया बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, मनमाना खिलाया और विदेशी से ज्यादा उसने हमें मुफ्त में दिया। मन चाह मुफ्त में खा सकती हो, वही तो वह जिसने वो बीज रखा कि जो भी चाहे खाओ सिस्टम का जितना चाहो खाओ। और देखिए उसने किस तरह से प्रयोजन किया था उस जंगल में। ये कहता है, उसने मानो मटन की बारिश की, मानो धूल के जैसे गिराया। ये नहीं कि बस एक पाव मटन दिया। हम यहां पर कुछ अलग ही कह रहे हैं, ये आधा चिकन नहीं, उसने बारिश की। इस शब्द की ओर देखिए, मटन को मानो धूल के जैसे बरसाया और आकाश के पक्षियों को समुन्द्र की रेत के जैसे बरसाया। मतलब उसने बस उन पर बारिश की जब तक कि वो पूरे भर न जाए, जब तक कि वो और ज्यादा नहीं खा सके। एक जगह पर हमें बताया गया है, जबकि वो उसने उन पर पक्षियों की बारिश की, एक जगह ये कहता है वो आए वहां पर रुक गए, जहां तक कि एक दिन की यात्रा थी उतनी दूरी तक वो भरे थे, यानी लगभग एक दिन की यात्रा, यानी 40 किलोमीटर हर तरफ से एक दिन की यात्रा पर। कल्पना करें कि 40 किलोमीटर हर तरफ से और 3 फीट गहरा। देखिए बाइबल ये कहती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये किसी किताब से मैंने नहीं पढ़ा, बाइबल इस तरह से कहती है कि ये 3 फीट गहरा और 40 किलोमीटर की दूरी तक लंबाई में। कल्पना करें कितना मटन होगा मतलब बस यही करना है कि जितना खा सकते उतना सब इकट्ठा करते जाओ। परमेश्वर ने मानो उन पर बारिश की कहता है, मतलब देखिए उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया। वो दिखाना चाहता था, वो बहुतायत, वो अद्भुत उमड़ने वाला, वो परमेश्वर का बहुतायत का प्रयोजन उनके लिए जंगल में ही, जहां खरीदने के लिए दुकान नहीं थी, जहां हवाई जहाज से नहीं भेज सकते थे और ना ही किसी ट्रेन में भरकर उसे भेज सकते थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इसे दिया, होम डिलीवरी की। Such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace.
grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love like God is never rocking. He made a stand for me. We got grace. It blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death. Hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need Him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong and He may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death. The hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need Him every day. Fire, faith and confidence in knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong. He may stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God is never wrong. He may stand for me. It blew apart my chains and set the sinner free. We got, it's like a river and you never run it dry. We got power over fear and death. Hearts filled up with joy. Found a friend, oh such a friend, and He made my heart His soul. God Himself is with me and I know I'm never alone. I know all my tomorrows will be better than all my hopes. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost.